हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा लेक्चर है आई फ्लू के ऊपर, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस ही बोलते हैं या फिर पिंक आई बोलते हैं। तो आई फ्लू जो है आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बारिश के मौसम के बाद आपका ये जो है आई फ्लू बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल फैल रहा है और काफ़ी सारे केसेस जो हैं हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि आई फ्लू क्या होता है, आई फ्लू कौन कौन से टाइप्स का होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे आपको आई फ्लू हो सकता है, और कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को देख लिया आपने, किसी को आई फ्लू है, तो आपने देखने से भी क्या आई फ्लू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है वैसे तो। और अगर ब्रेस्ट फीड, अगर कोई मदर को आई फ्लू हो रखा है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उसको, उसके बेबी को आई फ्लू होने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप इसको घर में इसका क्या इलाज होगा, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आई फ्लू से कि आई फ्लू एक्चुअली में होता क्या है। वट इज़ एन आई फ्लू? आई फ्लू को हम कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। आई फ्लू या फिर कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आप बोल सकते हैं, वैसे चार पांच आपके साइंस होते हैं इन्फ्लामेशन के। तो इन्फ्लामेशन आपके कहाँ पे हो जाएगी? कंजक्टिवा में। कंजक्टिवा क्या है? आपका ये इमेज दिख रही होगी, कंजक्टिवा भी आपके तीन हैं, पैल्पेब्रा कंजक्टिवा, कंजक्टिवा फॉर्निक्स और आपका बल्बर कंजक्टिवा। तो ये तीन आपके कंजक्टिवा होते हैं, इनमें से आपका किसी में भी आपका क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, तीनों में हो सकता है कंजक्टिवाइटिस, उसको बोलेंगे हम पिंक आई भी बोलते हैं। इसमें आपकी जो आँख होती है थोड़ी रेडिश पिंक हो जाती है। ओके, तो कंजक्टिवा आपका क्या होता है? कंजक्टिवा इज द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर कवरिंग द आई वाइट पार्ट एंड द आईलिड्स इनर सरफेस। तो आपका जो आई का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो आपको दिख रहा होगा, वाइट वाला जो पार्ट होगा वो उसको कवर करता है, साथ साथ आपका जो आई लीड्स होता है उसको कवर करके रखता है, आई लीड्स की इनर वाली सरफेस को कवर करके रखेगा, ये आपका कंजक्टिवा। अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका आई फ्लू बोलते हैं या फिर कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस की, कि कंजक्टिवाइटिस आपके कितने टाइप्स के होते हैं। पहला आता है इसमें वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जाइंट पैपलरी कंजक्टिवाइटिस, केमिकल कंजक्टिवाइटिस और नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ये सारे टाइप के आपके क्या होते हैं? कंजक्टिवाइटिस होते हैं। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस देखिए क्या होता है, कौन कौन से वायरस की वजह से होता है। नाम से समझ में आ रहा होगा, वायरल मतलब वायरस की वजह से जो होगा कंजक्टिवाइटिस, मतलब कि उसको क्या बोलेंगे हम? वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो ये इसमें कॉमन आपके वायरस कौन कौन से हैं जो कि आपके कंजक्टिवाइटिस फैलाते हैं? आपका एडीनो वायरस हो गया, एंटेरो वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, वर्सिला जूस्टर, मीजल्स, ये सारे आपके जो वायरसेस होते हैं ये कॉमन वायरसेस हैं जो कि आपका कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं। इसके बाद आता है आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि आपका कंजक्टिवाइटिस कॉज करेगा, आई फ्लू आपका कॉज करेगा। इसमें आता है हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की स्पीशीज, आपकी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और आपका सूडोमोनास एरुगिनोसा। ये सारे आपके क्या होते हैं? कुछ कॉमन बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं, इनसे कंजक्टिवाइटिस होता है, आई फ्लू होता है। इसके अलावा आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी होता है, एलर्जी की वजह से आपका कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। एलर्जी किसकी वजह से हो सकता है? आपका कुछ सब्सटेंसेस की वजह से, अगर आपका कोई पेशेंट है वो एलर्जिक है उन सब्सटेंसेस से, तो उसको अगर वो सब्सटेंसेस वो इनहेल कर लेगा या फिर किसी तरह उसके बॉडी में चले जाएगा तो क्या होगा, उससे उसको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। जैसे कि पॉलन, पैट डेंडर, आपका पैट डेंडर बेसिकली क्या होता है, जब जो आपके एनिमल्स होते हैं अपनी स्किन जो होते हैं वो शेड करते हैं तो उसको हम पैट डेंडर्स बोलते हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों से एलर्जी होती है। आपका डस्ट माइट्स हो गया और आपका कुछ केमिकल्स हो गए, तो इससे क्या होता है, आपका एलर्जिक हो जाता है पेशेंट, उसकी एलर्जी की वजह से उसको क्या होता है, उसमें कंजक्टिवाइटिस को हो जाता है। फिर आता है इसके बाद हमारा जाइंट पैपलरी कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम जीपीसी भी बोलते हैं। क्रॉनिक प्रेजेंस ऑफ ए फॉरन बॉडी इन द आई, यानी कि कोई फॉरन बॉडी पेशेंट की आई के अंदर चली गई, कोई फॉरन ऑब्जेक्ट कुछ गलती से चला गया जिसकी वजह से क्या हो गया, उससे को क्या हो गया, कंजक्टिवाइटिस पेशेंट को हो गया। जैसे कि आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस आप लगाते हैं वो भी आपके लिए एक फॉरन बॉडी ही है। जो लोग चश्मे हट चश्मा नहीं पहनते, कुछ लोग क्या करते हैं लेंसेज लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कई बार उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज पैपिला ऑन द इनसाइड ऑफ द अपर लिप। तो आपकी जो आईलिड होती है, ये वाली जो आईलिड होगी आपकी, इसको आप ऐसे करके देखते हैं या फिर इधर से हम देखते हैं, तो क्या होता है, ये आपकी आईलिड जो होती है ना, ये फूल जाती है, ठीक है, तो इसको हम पैपिला बोलते हैं। तो पैपिला आपका फॉर्मेशन हो जाता है उसमें कंजक्टिवाइटिस के दौरान, जब इसको हम क्या बोलेंगे, जाइंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस। देन इसके बाद आता है हमारा केमिकल कंजक्टिवाइटिस। केमिकल कंजक्टिवाइटिस किसकी वजह से होगा? आपके केमिकल्स की वजह से होगा।
एक्सपोजर टू इरिटेंट्स और केमिकल्स सच एज हाउस होल्ड क्लीनर्स, स्मोक और क्लोरीन इन स्विमिंग पूल्स। तो कुछ आपके इरिटेंट्स होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका हाउस होल्ड क्लीनर्स हो गए या फिर स्मोक हो गया, या फिर आपका जो स्विमिंग पूल होता है उसमें आप क्लोरीन जब हम डालते हैं तो उसकी वजह से भी आपका क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा आपका नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस भी होता है ड्यूरिंग डिलीवरी फ्रॉम मदर जेनेटल ट्रैक। तो डिलीवरी के दौरान जेनेटल ट्रैक अगर वुमेन जो है उनको क्या है नाइसीरिया गोनोरिया का या फिर क्लैमाइडिया ट्रैकोमोनाइटिस का आपका क्या है इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका जो बेबी है उसको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और उसको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है ड्यूरिंग द डिलीवरी या ड्यूरिंग बर्थ। ओके, इसके अलावा आपका अगर मदर जो है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और आपने बेबी को जब ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उस दौरान क्या होगा उसको बेबी को कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस आपके मिल्क से तो नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी वुमेन ने अगर टच करा अपनी आई को उसके बाद अपने ब्रेस्ट को अगर टच कर लिया तो उससे जो मिल्क जाएगा उसकी वजह से बेबी को कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या गया उसका बैक्टीरिया या फिर वायरस में जा सकता है। इसके अलावा बेबी ने मदर की आईज को टच कर लिया और उसके बाद अपनी माउथ को टच कर लिया ड्यूरिंग द फीडिंग, क्योंकि बच्चे हाथ मारते हैं, तो उसके दौरान क्या हो सकता है बेबी को कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो ये आपका होता है टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स देख लेते हैं हम कंजक्टिवाइटिस के, कंजक्टिवाइटिस के हमारे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, साइन और सिम्टम्स क्या क्या होंगे। इसमें आता है हमारा पफी आईलिड्स, आपके जो आईलिड्स होंगी ये क्या हो जाएंगी सूज जाएंगी, अ पिंक और रेड कलर इन द वाइट ऑफ द आई, आपका जो आई का वाइट वाला हिस्सा है वो कैसा हो जाएगा रेडिश या फिर पिंकिश हो जाएगा। आई जो होगी वो पेनफुल होगी, उसमें दर्द होगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, आपकी आई से डिस्चार्ज निकलेगा, आपको येलो कलर से दिख रहा होगा, येलो चिपचिपा पदार्थ आपका निकलता है आई से, ब्लरी और हेजी विजन, आपका जो विजन होगा वो आपका जो पेशेंट होगा उसका जो विजन होगा उसकी जो आईसाइट होगी उसको भी थोड़ा कैसा दिखेगा ब्लर दिखेगा उसको, और इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, आपका जो लाइट से होगी वो सेंसिटिविटी उसको काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब रोशनी जब वो देखेगा तो उसको अब काफ़ी ज़्यादा आँख मिची आएगा वो, ठीक है। इसके अलावा इची वाटरी और बर्निंग आइज, तो आँख में खुजली होना बहुत ज़्यादा लाजमी है इसमें, और आपका पानी निकल सकता है बहुत ज़्यादा आँख में से, आपकी जो आँख है वो जल सकती है, ऐसा लगेगा आपको आँख जल रही है आपकी। इसके अलावा क्रस्टिंग ऑफ आईलिड्स या फिर रैशेस, और आपकी आँख की जो पलके होंगी वो भी बहुत ज़्यादा आपको चिपकी हुई मिलेंगी, जो कि आपका ये जो पदार्थ निकल रहा है येलोइश कलर का चिपचिपा जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा क्रस्टिंग आईलिड्स या फिर आपकी आईलैशेस हो सकती हैं। ओके, तो ये सारे होते हैं इसके सिम्टम्स। इसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन में इसमें आता है हमारा सोप एंड वाटर शुड बी यूज्ड रेगुलरली। तो आप अगर आपको बचना है किससे आपका आई फ्लू से, तो आप सोप और वाटर से उसको रेगुलरली अपना हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन रखिए उसको, जब भी आप अपने आई को कभी भी बार बार टच मत करिए। अगर आपको एक आँख में इन्फेक्शन है, आपको एक आँख में आई फ्लू हो रखा है, तो उस हाथ से आप दूसरे आँख में होने के चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट को हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को अगर एक आँख में रखा है दूसरे आँख में भी ज़्यादातर हो जाते हैं, क्योंकि वो उस आँख से फिर दूसरे आँख पर टच करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा उसको एक इन्फेक्शन दूसरी उसमें जा सकता है। तो इस वजह से हमेशा अपने हाथ धोते रहें। ओके, और जब भी आप आई टच करें उससे पहले अपने हाथ ज़रूर धोएं। यूटिलाइज टिश्यू और एल्बो, जब भी हम छींक रहे हैं तो हम टिश्यू का या फिर हम ऐसे करके कॉनी करके भी छींक सकते हैं, ठीक है, कफ करते टाइम पे या छींकते टाइम पे, ताकि आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो हैं वो आगे फर्दर किसी और पर्सन को इन्फेक्ट ना करें। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, तो जो भी अगर आपको इन्फेक्टेड हैं या फिर इन्फेक्टेड नहीं भी हैं, तो इस अभी जो चल रहा है सीज़न इसकी वजह से आपको क्या है अभी जो भी अपने पर्सनल आइटम्स होते हैं उसको आप यूज़ ना करें। पर्सनल आइटम बहुत ज़्यादा आपके कॉमन होते हैं, जैसे कि आपका पेन हो गया, ठीक है, पेन तो बच्चे क्लास में ऐसे रेगुलरली मांग लेते हैं, मेरा पेन नहीं चल रहा अपना पेन दियो, ठीक है, लेकिन बच्चे ने पहले आँख में अगर ऐसे आँख में लगाया होगा, फिर पेन उसने पकड़ लिया और फिर उसी पेन को किसी और को दे दिया, फिर उसने उसी पेन से हाथ से अपने आँख पे लगा लिया, तो उसको क्या हो सकता है उसको भी कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू हो सकता है, ठीक है। तो पर्सनल आइटम ज़्यादा शेयर नहीं करने, अपने शेयर बिल्कुल भी नहीं करने, टॉवल हो गया, रुमाल हो गया, ये सब बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं, लोग ईजिली यूज़ कर लेते हैं दूसरे का, लेकिन ये चीज़ें इस टाइम पर आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक। फिर आता है हमारा क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सर्फेसिस, आपके जो सर्फेसिस होती हैं जिस आपकी जैसे कि आपका डोर नॉब हो गया, आपका काउंटर टॉप्स हो गया, टेबल हो गई, इन सबको आप या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, मोबाइल्स हो गए, ये आपका इन सबको आप प्रॉपरली इनको डिसइंफेक्ट या फिर क्लीन करते रहिए।
प्रैक्टिस गुड कॉन्टैक्ट लेंस हाइजीन। तो आपका अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं तो उनका भी प्रॉपरली हाइजीन प्रैक्टिस आप करिए, जैसे कि उनको डिसइंफेक्ट करिए, अगर आप वो कर सकते हैं तो उसको रिप्लेस भी करिए, जैसे कि उनके प्रॉपर जैसे टाइमिंग है कि इस लेंस की आपकी जो लाइफ टाइम जो टाइमिंग है वो 1 साल की है या 2 साल की है, तो उसके बाद उसको प्रॉपरली आप डिस्कार्ड कर दीजिए, नए लेंस लीजिए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि ना आप हाइजीन मेंटेन रहेगा। अगर आपको आई फ्लू हो रखा है तो उस टाइम पे आप कोशिश करिए कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेस ना ही इस्तेमाल करें, ओके। और अगर करते हैं तो पुराने लेंसेज आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसका जो केस होता है उसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए, आप नए लेंसेज लेके आइए, ताकि क्योंकि उसकी वजह से आपको री इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आपने आई फ्लू आपको था, आपने कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते थे, लेकिन आपने ठीक होने के बाद दोबारा आपने वही कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, पेशेंट को री इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं री इन्फेक्शन। एक बार इन्फेक्शन हुआ था, फिर वो खत्म हो गया, फिर उस कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से क्या हो गया, री इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है, तो उसको आप फेंक दीजिएगा, ओके। अब हम बात करते हैं कि आई फ्लू होने पर क्या करें। अगर आपको आई फ्लू हो चुका है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो आप सबसे पहले तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपका जो फैमिली डॉक्टर होते हैं या फिर आपके पास में जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उनसे कंसल्ट करिए, आप अपना हाइजीन जो है वो प्रॉपरली अच्छे से मेंटेन करके रखिए, और अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंसेज, जैसे मैंने बताया अभी आपको, उसको अवॉइड करिए आप। अप्लाई वार्म कंप्रेशंस, तो अगर आप गुनगुना जो पानी होता है उसमें आप तौलिया डाल के या फिर उसको अच्छे से अपनी आँख को क्लीन कर सकते हैं, उसको रब कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा खुजाइए नहीं अपनी आँखों को। यूज़ आर्टिफिशियल टीयर्स, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती है, रिफ्रेश करके भी दिखाऊंगा आपको मैं, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर आपकी आई आँख जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, उसमें खुजली हो रही है, तो आप वो आपकी रिफ्रेश या फिर आर्टिफिशियल टीयर्स जो होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, ताकि आपकी जो आँख है उसमें नमी बरकरार रहे। इसके अलावा अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, तो पर्सनल आइटम्स भी आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करने, वरना आपके जो जानकार हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं उनको भी आपका इन्फेक्शन फैल सकता है। अवॉइड आई मेकअप, अगर वुमेन हैं उनको आपका इन्फेक्शन हो रखा है तो उस दौरान वो आई मेकअप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, क्योंकि इसके से भी उनको खुद को भी परेशानी हो सकती है, और अगर वो मेकअप कोई और भी यूज़ करेगा तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में आपके कुछ आपके ड्रॉप्स आती हैं, जैसे कि आपका रिफ्रेश टीयर है, ये हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपकी आई को अगर ड्राई आई है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं रिफ्रेश टीयर। इसको आप 4 बार 5 बार जैसे भी आपको ठीक लगे, जब आपकी आँख ड्राई हो तो आप उसको डाल सकते हैं। और आपकी एंटीबायोटिक होती है BD, इसको 2 बार डालना होता है अपनी आपको आँख में, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, तो आपकी एंटीबायोटिक है ये, इसको आप डाल सकते हैं ताकि आपका इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से ठीक हो। इसके अलावा आपका एक ऑइंटमेंट भी आता है जॉक्सन का, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसको भी 2 बार आप लगा सकते हैं सुबह शाम। तो इसको आपको जैसे आप काजल लगाते हैं उस तरीके से इसको लगाना होता है, नॉर्मल का आपकी क्रीम होती है ये, तो ये आप ट्रीटमेंट आप घर में कर सकते हैं। बाकी आप डॉक्टर के रिकमेंड करके, जो भी आपके हेल्थ के प्रोफेशनल आपको बताएं उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था आपका आई फ्लू के ऊपर। आई होप कि आपको सारे सारे डाउट्स आपके आई फ्लू के क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।